राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ आर गुट के क्षेत्रीय कमेटी की बैठक जारंगडी स्थित यूनियन कार्यालय में गुरुवार को की गई। बैठक की अध्यक्षता रीजनल अध्यक्ष गिरजा शंकर पांडे व संचालन कथारा क्षेत्रीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह के द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य रूप से मजदूरों की ज्वलंत समस्याओं सहित संगठन को और भी मजबूती कैसे प्रदान किया जाए, इन मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा किया गया। जहां गिरजा शंकर पांडे ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि मजदूरों की सेवा ही राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ का मुख्य उद्देश्य है और मजदूरों की सेवा कर ही राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ को मजबूत बनाना है। जिस तरह पंडित बिंदेश्वर दुबे और राजेंद्र बाबू मजदूरों की समस्याओं के समय मजदूरों के साथ सदैव खड़े रहते थे, ठीक उसी प्रकार अनुप बाबू सदैव तत्पर रहते हैं। जरूरत है हमें उनकी ताकत बढ़ाने की और राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ की ताकत यहाँ के मजदूर हैं। वहीं इस दौरान श्री सिंह ने कई मूल मंत्र दिए, जो विल्सन फ्रांसिस उर्फ बबलू ने कहा कि मजदूरों का हक अधिकार की लड़ाई सदैव राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ लड़ी है, आगे भी और मजबूती के साथ लड़ेगी। मौके पर प्रमोद कुमार सिंह, मोहम्मद सना उल्ला, धनेश्वर यादव, लालेंद्र ओझा, संतोष मंडल, रंजीत केसरा, रविंद्र राम, अनंत कुमार सहित कई अन्य लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। हम मजदूरों के समस्या को कैसे हल कर सके, क्योंकि आज के मैनेजमेंट मजदूरों के तरफ ध्यान कम दिया रहा है, उसको कैसे हम आकर्षित करें कि मजदूर के काम करें। एक नंबर का और इसको मजबूती के तरफ हम लोग और मजदूरों की सेवा करके इसको और मजबूत बनाना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय कुली मजदूर संघ जो है हमेशा मजदूरों के शुभचिंतक रहा है, उसका काम करता रहा है और कभी कभी किसी मजदूर पर अगर संकट आता है तो राष्ट्रीय कुली मजदूर संघ पहले खड़ा होता है। ये देन पंडित बिंदेश्वरी दुबे के समय से और उनके बताए हुए मार्ग पर राजेंद्र बाबू भी चले, आज गनू बाबू दीर्घनाथ लगा हुआ है, हम लोग दीर्घनाथ लगे हुए हैं। हमारे सभी साथियों में एकता का एक ताकत है जिसके बल में राष्ट्रीय कुल मजदूर संघ यहाँ आगे बढ़ रहा है।